हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज का वीडियो थोड़ा सा जो है इनफॉर्मल है, जिसमें मैं आपसे सबसे एनआईयूएस के स्टूडेंट से कुछ बात करना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास एक जो है कुछ क्वेश्चन हैं जिनके जवाब मुझसे नहीं जो है दिए जा रहे, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है मैं झूठ और गलत को पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन NIOS आपके साथ बहुत बड़ी गलती कर चुका है, गलत कर चुका है, इसलिए मुझसे जो है अब रुका नहीं जा रहा है। मैंने आज तक आपको सारा वीडियोस में जो भी बताया सब चीज़ें बताई आपको। मेरे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर मेरे कम मार्क्स आए हैं, 36% दिए हैं, IIT G के अंदर मैं कैसे एडमिशन लूँ। आप ये सोचिए कि जिस बच्चे के अंदर IIT G की कैपेसिटी है वो इतने मार्क्स को हैंडल करके क्या है, फेस भी नहीं दिखा पा रहा है कहीं पर। दूसरा क्या है, आप ठीक है आपने नंबर कम दे दिए, SYCP मतलब एक बच्चा जो है आपका प्रैक्टिकल दे के आया उसको एब्सेंट आपने लगा दिया, एज ए टीचर मैं उसको क्या जवाब दे सकता हूँ। मेरे पास कोई जवाब नहीं बन रहा है उनके लिए, मैं क्या जवाब दूँ। हालांकि मैंने जो है एक वीडियो जो डिस्क्रिप्शन लिंक में है उसमें कुछ चीजें जो है बताने की कोशिश करी है, लेकिन I am highly जो है dissatisfied with this result। बच्चे मुझसे कहते हैं सर TM में सबमिट कर दिया है, एब्सेंट दिखा रहे हैं हमें, हम किसके पास जाएं, स्टडी सेंटर में जाते हैं बंद होता है, NIOS ने ये क्या सिस्टम खोल रखा है, TOC के मार्क्स शो नहीं हो रहे। आप ये सोचिए जिस बच्चे का जो है रिजल्ट हाथ में आया हो और उस दिन उसको पता चले कि उसके जो है दो सब्जेक्ट दिखाए जा रहे हैं, बाकी सॉरी तीन के मार्क्स दिखाए जा रहे हैं और दो में जो है उसके मार्क्स नहीं शो हो रहे हैं। ये जवाब हमारा देने का काम है, NIOS का देने का काम है। NIOS ने क्या करा है, NIOS के स्टूडेंट्स को बिल्कुल लाचार बना दिया है। सारे चैनल्स पे आप देखिए हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या NIOS के स्टूडेंट्स की। NIOS के स्टूडेंट्स सबके सामने हाथ जोड़ के कह रहे हैं सर प्लीज प्लीज प्लीज। किसके सामने प्लीज कर रहे हैं, भगवान के सामने सिर झुकाना चाहिए। और NIOS के स्टूडेंट्स के अंदर जो है क्या सेल्फ रिस्पेक्ट की चीज छोड़ी है इन्होंने, और किस बात की गलती। आप ये देखिए चार बार क्रॉस है, कह रहे हैं जी इसके अंदर जो है आप पास नहीं हो, नीचे लिखा हुआ है क्रॉस लिखा हुआ है और ऊपर बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में पास है, क्या जवाब दिया जाए। मैं आज सीधा NIOS के डायरेक्टर और जो भी आपके जो NIOS के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं मैं आप डायरेक्ट आपसे बोल रहा हूँ, आप इन चीजों को सुनिए। आज आपने एग्जाम्पल देखा होगा NIOS के स्टूडेंट्स जो है नोएडा हेडक्वार्टर में गए हैं और वहां पर 2-3 हजार बच्चों ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की है, ये तो होना ही था। इसके सिस्टम के अंदर बहुत गलती है। SYC SYCT बिना पेपर ले लेते तो उनका जो है कुछ मार्क्स पता चल जाते। एक बच्चा मुझसे कहता है सर मुझे जो है एक सब्जेक्ट के अंदर 32 मार्क्स दिए हैं, मैं एरोनॉटिक्स का जो है कोर्स करना चाहता हूँ, मैंने उसमें फॉर्म भर रखे हैं, सर मैं क्या करूं, मुझे केवल 5 या 6 मार्क्स चाहिए, क्या जवाब दिया जाए उसके। उसके इतने ड्रीम्स कुचले जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और क्या है, बाहर दुकानें खोल रखी हैं सब लोगों ने, मैं देखा है चाहे यूट्यूब पे हो चाहे वैसे हो, सब जगह पे दुकान खोल रखी है उनको लूटने के लिए। NIOS के स्टूडेंट्स इसीलिए है क्या कि भाई आप हमें जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पर इतने पैसे भर दीजिए, ये भर दीजिए, मतलब समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि क्या सिस्टम है। TMA में 85% रिजल्ट 49% है, क्या जवाब है इसका। 36% कॉमर्स में, सर मैं DU में एडमिशन लूं, इग्नू में लूं, मैं किसी में भी लेने लायक नहीं हूं, क्या करा आपने उनका कैरियर पे एसिड डाल दिया, तबाही मचा दी उनके साथ। CBSE में 80% है और 12th के NIOS में 50% है, सर ये कैसे हो गया मेरे 10th में इतने अच्छे, मतलब क्या बताएं कि NIOS ज्यादा बढ़िया मतलब वो है आपका। सर पेंटिंग का प्रैक्टिकल दिया, एबसेंट कर दिया। फ्रेशर हूँ सर मैं TMA में, सर बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे 46 में, पहले तो उनको कईयों को मार्क्स ही नहीं दिए और हटा दिए पीछे से, और लगभग 1,20,000 फेल और कंपार्टमेंट के स्टूडेंट है, इसलिए आज ये बम छूटा है नोएडा हेडक्वार्टर के अंदर। तो NIOS मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप जो है रिजल्ट को रिवाइज कीजिए, नहीं तो बच्चों का कैरियर बहुत बुरे तरीके से तबाह हो जाएगा। NIOS जो है आपका, सबसे पहले आप ये बताइए NIOS के अंदर एडमिशन क्यों लेता है, 70% बच्चों की माली हालत सही नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल में भी फीस 2,000 है, NIOS कितना ले लेता है आपसे साल का, 8-10 हजार, बाहर लुटेरों के पास 10-15 हजार और लूट के आ जाते, इतने में तो बेचारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते, जॉब पर होते हैं सर,
ये और बच्चों से बहुत सुपर स्ट्रांग होते हैं, बचपन में ही बड़े हो जाते हैं, बेस्ट ट्राई करते हैं हर एक चीज में। फीस आप इतनी ज्यादा लेट फीस उनसे टीएम में कि आपने 1500 रुपए पर सब्जेक्ट, इतनी तो फीस नहीं होती सर, ये कोई तरीका है? 10 जुलाई से पहले टीएम में जमा कराया तो उन्हें भगा दिया, 10 जुलाई के बाद टीएम में जमा कराने के कह रहे हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम अक्टूबर में आपको डाल देंगे। क्या खेल चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि एनआईओएस के स्टूडेंट्स को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है? ऐसा कभी रिजल्ट में नहीं होता है आपका। तो अब जो है आपका स्टूडेंट्स, आप सबने आज जो है, अभी तक बहुत सारे लोग आप सबको कह रहे थे कि अब अक्टूबर की फीस जमा कर लीजिए, लेकिन आज आपने जो नोएडा हेडक्वार्टर में जो धमाका किया है उसके बाद सब यूट्यूबर्स में भी इवन जो है जोश आ गया है। मुझे पहले से ही पता था एनआईओएस के अंदर सिंपल स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं, बहुत ऊंची सोच और ड्रीमर और समाज परिस्थितियों से लड़के जो सोना निकलता है वो वाले स्टूडेंट होते हैं। स्टडी सेंटर वाले फीस ज्यादा ले लेते हैं, और आप पहले बहुत ज्यादा धमाका कर चुके हो, लड़ने को हम भी आपके साथ तैयार हैं, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और एनआईओएस के सुपर सॉलिड स्टूडेंट्स के लिए हैट्स ऑफ। और ये जो है एनआईओएस ने क्या करा है, बहुत गलत सिस्टम यानी कि क्रिएट कर दिया है। समझ नहीं आ रहा कि एनआईओएस ने जो है क्यों आप सबको स्टडी सेंटर्स के हाथ में, और क्या रिजल्ट दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो चीज भी आपने नहीं मानी, मतलब डिजी लॉकर, हाँ डिजी लॉकर ऐप में कुछ स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा एडवाइस दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी दे रखा है मैंने, और मैं आपसे एक चीज और कहता हूँ, कई स्टूडेंट्स जो है बता रहे हैं कि हमारा नॉर्मल रिजल्ट गलत आया है, डिजी लॉकर ऐप में सही आया है। तो डिजी लॉकर ऐप शुरू हो गई है, आप उसमें भी अपना क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। और अब जो है आप सबको जो है उठ खड़े होना पड़ेगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आपकी हेल्प करने में जो है लगे हुए हैं और हम भी आपके साथ हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को जितना लाइक शेयर कर सकते हो आप सारे, उतना ज्यादा इसको लाइक शेयर कर सकते हो जिससे हमारी बात हेडक्वार्टर तक पहुंचे और डायरेक्टर तक पहुंचे। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ हूं।